हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल लर्निंग के बारे में। ठीक है, सोशल लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, और ये किस लिए क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, ठीक है, और इसकी क्लासरूम में क्या इंपॉर्टेंस है। ये टॉपिक है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर में हो और हो सकता है किसी में बीएड सेकंड ईयर में हो। तो चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन हो सकता है ऐसे आ जाए कि व्हाट इज मीन बाय सोशल लर्निंग, कि आप सोशल लर्निंग से क्या समझते हो। हाउ इज सोशल लर्निंग हेल्पफुल इन मीटिंग इंडिविजुअल नीड्स इन क्लासरूम, कि हम बच्चे के इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग कैसे सोशल लर्निंग कर सकते हैं। या इस तरह से आ सकता है कि डिस्कस कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एजम्पशंस एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ सोशल लर्निंग। तो ये सभी पॉइंट हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। और आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहे फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, पर देखो पूरा। अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो जो भी मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया होता है वो आपको नहीं मिल पाता, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना इस वीडियो का पर्पस मत समझना, आप इस वीडियो को पूरा देखो चाहे फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, ठीक है। बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करी मैंने। तो सोशल लर्निंग क्या है? सोशल लर्निंग है कि कोई भी लर्निंग जो कि सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होती है, ठीक है, दूसरे लोगों को देख के। और सोशल लर्निंग फोकस किस पे करती है? सोशल लर्निंग फोकस करती है सोशल कॉन्टेक्स्ट में, मतलब जो भी सोसाइटी में लर्निंग हो रही है उस चीज पे। किसी पर्सन को देखते हैं, किसी का बिहेवियर देखते हैं, फिर हमें क्या होता है? रिटेंशन होता है कि उस पर्सन ने वो एक्टिविटी कैसे करी है, ठीक है। रिटेंशन के बाद क्या होगा? आप उस एक्टिविटी को रेप्लिकेट करोगे या रिप्रोड्यूस करोगे, मतलब आप उसे करके देखोगे। अब जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो आपको या तो मिलेगा रिवॉर्ड, आपको शाबाशी मिलेगी, या तो मिलेगा आपको पनिशमेंट। तो इसलिए जो सोशल लर्निंग है उसमें स्किनर की री इन्फोर्समेंट थ्योरी या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमें मिलता है रिवॉर्ड पॉजिटिव फीडबैक, या मिलता है पनिशमेंट नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। अगर हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा, तब हमारे मन में क्या आएगा? हमारे मन में एक इंटेंसिव मोटिवेशन आएगा, हमें वो एक्टिविटी करने में मजा आएगा, ठीक है, और हम उसे रिपीट करेंगे। क्लियर पॉइंट? तो इसमें क्या एग्जांपल है? सपोज एक बच्चा है, दूसरे बच्चे को देखता है कि उसे चॉकलेट मिली, और क्यों मिली? उसे गुड बिहेवियर करने में मिली, ठीक है। तो ये बच्चा भी क्या करेगा? उसी तरह नकल करेगा, सेम बिहेवियर करेगा ताकि उसे भी रिवॉर्ड मिले, ठीक है। इसीलिए क्या है, सोशल लर्निंग इंक्लूसिव स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, जिनमें थोड़ी मेंटल रिटार्डेशन है या जिनमें कॉग्निटिव लेवल इतना अच्छा नहीं है, वो दूसरे बच्चों को देख सकते हैं, उनके बिहेवियर को देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अच्छा बिहेवियर किया और उन्हें रिवॉर्ड मिला, ठीक है। बाद में वो उस बिहेवियर को रिपीट कर सकते हैं। तो सोशल लर्निंग और स्किनर्स की री इन्फोर्समेंट थ्योरी या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। चलो, ये थ्योरी दी किसने थी? सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी एल्बर्ट बैंडुरा ने। ये कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट थे और बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। इनका काम सबसे ज्यादा साइटेड है। सपोज मैंने रिसर्च लिखी और आपको कोई काम यूज करना है तो आप मेरा आर्टिकल साइट करोगे कि मैंने ये टॉपिक यहाँ से लिया है, ठीक है। और एल्बर्ट बैंडुरा मोस्ट साइटेड लिविंग साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, और इन्हीं को जाना जाता है ओरिजिनेटर ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ सेल्फ एफिकेसी। क्लियर है पॉइंट? चलो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कैसे होगी। तो ये थ्योरी का कहती है कि पीपल कैन लर्न बाय वॉचिंग अदर पीपल परफॉर्मिंग द बिहेवियर, कि कोई इंसान कैसे सीखता है? दूसरे पर्सन को कोई एक्टिविटी करते हुए या कोई बिहेवियर करते हुए, और हम उसे क्या करते हैं? बाद में इमिटेट करते हैं या उसकी नकल करते हैं। तो बैंडुरा ने 1961 में क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया बोगो डॉल के साथ। ये बोगो डॉल हम अगली स्लाइड पे देखेंगे कि क्या होती है बोगो डॉल। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया कि जो सोशल बिहेवियर होता है ये एक्वायर हो सकता है, और इसमें क्या चेक करना था, इन्होंने को चेक किया, एग्रेसिवनेस को चेक किया कि एग्रेसिवनेस जो बिहेवियर है वो बच्चों में आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें क्या था, एक एडल्ट था जो कि बोगो डोल के प्रति गुस्सा दिखाता है और वो गुस्सा बच्चे सीख लेते हैं, ठीक है। तो एक कमरे में क्या होता है, बच्चे खेलते होते हैं, उन्हें खेलने दिया जाता है आराम से, और उसमें बोगो डोल भी रखी है। बोगो डोल एक्चुअली क्या है, हिट में नहीं होता, आप मारते हो दोबारा खड़ा हो जाता है, तो एक्चुअली क्या है, हिट में, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है इसका बहुत हैवी होता है, ठीक है, तो इसलिए गिरता नहीं है। अब क्या है, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, अब यहाँ से इस रूम से, अब इस रूम से क्या होगा, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो बाहर चला गया, यहाँ पे एक एडल्ट आया, ठीक है, और एडल्ट आते ही क्या करेगा, बोगो डॉल पे एग्रेसिवनेस दिखाने लगेगा। अब क्या होगा, जो बच्चों का ध्यान है वो इस पे चला जाएगा, ठीक है, कि बोगो डॉल के प्रति एग्रेसिवनेस दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, इसे मार रहा है। तो अब क्या होगा, जब ये एडल्ट चला जाएगा इस कमरे से, तो बच्चे क्या करेंगे, बोगो डॉल पे अपना गुस्सा दिखाएंगे, एग्रेसिवनेस दिखाएंगे, उसे पीटेंगे, उसे मारेंगे, और उसके साथ वो सब करेंगे जो कि इस एडल्ट ने किया था, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, इन्होंने बिहेवियर सीख लिया जो कि था एग्रेसिवनेस। तो इसके बेस पे बैंडुरा ने कुछ 3 बेसिक मॉडल्स दिए, जो कि है लाइव मॉडल। लाइव मॉडल क्या है, कोई रियल परफॉर्मेंस कर रहा है और बच्चे उसे सीख जाएं।
वर्बल मॉडल क्या है? जैसे आप स्टोरी बताते हो ना अपने बच्चों को, या छोटे बच्चों को मॉरल स्टोरीज बताई जाती हैं कि उसमें एक स्टोरी में कोई बुरा आदमी था, कोई अच्छा आदमी था, बुरे आदमी ने इस तरह से एक्टिविटी करी तो उसे बुरे रिजल्ट मिले, और अच्छे आदमी ने अच्छी एक्टिविटी करी या अच्छे बिहेवियर करे उसे अच्छा रिवॉर्ड मिला, ठीक है? तो ये क्या है? वर्बल मॉडल है। थर्ड है सिम्बॉलिक मॉडल। ये किसमें यूज होता है? जैसे कोई रियल कैरेक्टर हो गया, फिक्शनल कैरेक्टर हो गया, जो टीवी पे डेमोन्स्ट्रेट होते रहते हैं, है ना, कार्टून्स में आता है, जैसे छोटा भीम है ना। छोटा भीम क्या करता है? बुरे लोगों को मारता है और अच्छे लोगों को रिवॉर्ड देता है। तो इससे भी क्या है, बच्चे वो बिहेवियर सीख सकते हैं, ठीक है। सिम्बॉलिक मॉडल दिखाने के लिए टीवी भी यूज हो सकता है, रेडियो भी यूज हो सकता है, और मोबाइल फोन भी यूज हो सकते हैं, या कोई ऑनलाइन मीडिया डिवाइस है, या कोई ऐसी डिवाइस है जिसमें हम सिम्बॉलिक मॉडल देख सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर ए पॉइंट। स्टेट ऑफ माइंड या मेंटल एबिलिटी इंपॉर्टेंट है और क्रूशियल है लर्निंग के लिए, ठीक है। तो बंडलियुरा इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे क्या कहते हैं कि जो रीइन्फोर्समेंट है ना, बाद में क्या होगा, बच्चों को रीइन्फोर्समेंट से कोई मतलब नहीं होगा, तो बच्चों में क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर आ जाएगा या कोई अंदर से ही मोटिवेशन आएगा जो उन्हें एनकरेज करेगा कोई अच्छा बिहेवियर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उन्हें रीइन्फोर्समेंट मिले, रिवॉर्ड मिले या नहीं मिले, वो एक्टिविटी करने में उन्हें मजा आ रहा है, उन्हें अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये बिहेवियर मुझे करना चाहिए, इसलिए बच्चे जो हैं ये ऐसा बिहेवियर करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें अंदर से मजा आ रहा है। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने कहा कि लर्निंग डज नॉट मीन दैट देयर विल बी ए चेंज इन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने कहा कि अगर किसी बच्चे ने बिहेवियर लर्न कर लिया तो जरूरी नहीं है कि वो उसके बिहेवियर में दिखे। ये पॉइंट तो अपने भी लागू होता है कि हम सबको पता है मोरल क्या होता है, मोरल ड्यूटीज क्या होती हैं, रूल फॉलो करने चाहिए, पर फिर भी हम क्या है, रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो जरूरी नहीं है जो आपने सीखा हो वो आपके बिहेवियर में नजर आए, ओके। चलो इसके बेस पे कुछ मॉडलिंग प्रोसेस दी इन्होंने। इन्होंने कहा कि बिहेवियर्स कैन बी लर्न थ्रू मॉडलिंग। मॉडलिंग एक्चुअली क्या होते हैं, जैसे हम इमिटेट करते हैं ना अपने मम्मी पापा को, या कोई भी एक्टिविटी होती है, जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, सेविंग करने लगते हैं, ब्रेजर लेके खाना बनाने लगते हैं, रोटी बेलने लगते हैं ना, तो ये क्या है, बड़ों ने उनके लिए एक मॉडल तैयार कर दिया और बच्चे उस मॉडल को इमिटेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मॉडल्स क्या काम करते हैं, कोई भी बिहेवियर सीखने के लिए या सिखाने के लिए, ठीक है। और ये पाया गया है कि मॉडलिंग प्रोसेस क्या है, बच्चे हो सकता है एग्रेसिवनेस भी सीखें और मोरल कैरेक्टर भी सीखें, ठीक है। और बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो कि हम मॉडलिंग प्रोसेस से ही सीखते हैं, ठीक है ना। मॉडलिंग से सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कोई आदमी कोई एक्टिविटी कैसे कर रहा है या किस तरह से कोई प्रोसेस की जा रही है किसी के द्वारा। पर इन्होंने ये भी बात कही कि जरूरी नहीं है जो भी सीखा है वो किसी पर्सन के बिहेवियर में चेंज लाएगा या नहीं लाएगा। इस मॉडलिंग प्रोसेस में इन्होंने चार स्टेप्स दिए जो कि है अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। क्या क्या होते हैं ये? अटेंशन क्या है? अटेंशन ये है कि जब कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई मॉडलिंग कर रहा है, तो आप उसे ध्यान से देखो, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा इंटरप्शन नहीं होना चाहिए ताकि जो बच्चे का ध्यान है, अटेंशन है, वो भंग हो सके या उसमें डिस्टर्बेंस आए, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी को अटेंशन के साथ देखेंगे तभी हमें वो चीज़ याद रहेगी। अगला स्टेप यही है, रिटेंशन। अगर आपने मॉडल को बहुत अटेंशन के साथ देखा है तो आप में रिटेंशन पावर अच्छी होगी। तो जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग मॉडल होगा आपकी अटेंशन उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी रिटेंशन उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। जैसे मूवीज में क्या होते हैं, हम थिएटर में जाते हैं, मूवी बहुत ध्यान से देखते हैं और इसलिए क्या है, पूरी मूवी हमें उस 3 घंटे में या 2 घंटे में पूरी मूवी याद हो जाती है क्योंकि हमने उस पर पूरा अटेंशन दिया। क्यों दिया अटेंशन? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होती है मूवीज, ठीक है। अब रिटेंशन के बाद क्या आता है, रिप्रोडक्शन। अब क्या करेंगे हम, कोई जो एक्टिविटी हमने अटेंशन के साथ सीखी है, हमारे माइंड में रिटेंशन है, हम उसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे या दोहराएंगे, ठीक है। और जितना ज्यादा आप दोहराओगे उतने ज्यादा आप अच्छे बनोगे किसी एक्टिविटी में। और जो बच्चा जो एक्टिविटी जितनी ज्यादा बार दोहराएगा, उसको बार बार करेगा, वो उतना ही उस एक्टिविटी में अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ तक तो ठीक है, अब क्या आता है, मोटिवेशन आता है। अब मोटिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? सपोज उसका बिहेवियर अच्छा होगा तो हम उसे रिवॉर्ड देंगे, अगर बुरा होगा तो हम उसे पनिश करेंगे। अब अच्छे बिहेवियर के लिए बच्चा क्या करेगा, हमेशा बार बार वही चीज करना चाहेगा और कोई बुरी चीज इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है अगर मैं बुरी चीज या बुरा बिहेवियर करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा, जब वो कोई काम करने लगेगा तो उसे ये भी नहीं लगेगा कि उसे बार बार रीइन्फोर्स किया जाए, ठीक है। उसके अंदर से मोटिवेशन आएगा, उसमें एक इंटरेस्टिंग मोटिवेशन आएगा ताकि कोई भी एक्टिविटी वो आराम से कर सके। क्लियर है पॉइंट? आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो जनरल प्रिंसिपल्स क्या है सोशल लर्निंग के। पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स एंड आउटकम्स ऑफ अदर बिहेवियर। चलो पीपल क्या करते हैं, नॉर्मली दूसरों को देख के सीखते हैं और जो भी आउटकम्स होता है बिहेवियर का उससे सीखते हैं। सपोज आपके दोस्त ने कोई अच्छी एक्टिविटी करी तो उसकी मम्मी ने चॉकलेट दी, अगर उसने कोई अब्यूसिव लैंग्वेज बोली तो उसकी मम्मी या पापा ने उसे मारा, तो आप अपने आप सीख जाओगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है।
सेकेंड पॉइंट है कि सोशल लर्निंग थ्योरीज बिलीव दैट लर्निंग मे और मे नॉट रिजल्ट इन द चेंज इन बिहेवियर एज बिहेवियरिस्ट बिलीव। तो बिहेवियरिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि जो भी सीखा गया है वो बिहेवियर में चेंज लाता है, पर सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट ऐसा नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि अगर लर्निंग किसी इंडिविजुअल ने कर ली है तो जरूरी नहीं है उसके बिहेवियर में भी कोई बदलाव आएगा। कॉग्निशन या जो मेंटल एबिलिटी है वो सोशल लर्निंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो रिवॉर्ड है और जो पनिशमेंट है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कोई भी बिहेवियर करने के लिए। इसलिए क्या, छोटे बच्चों को जो पहली बार गलती करते हैं तभी उनको डांट देना चाहिए ताकि वो जो बिहेवियर है वो दोबारा ना कर सके, पर उसके भी फिर बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं। चलो, सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है, लर्निंग थ्योरीज एंड कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज के बीच में क्या है, एक ब्रिज है, ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, स्टूडेंट कैन लर्न सिंपली बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन करके सीख सकते हैं कोई भी बिहेवियर। जो रिवॉर्ड होगा, जो पनिशमेंट होगा, वो एप्रोप्रिएट बिहेवियर लाने में हेल्प करेगा। मोटिवेट स्टूडेंट टू परफॉर्म गुड बिहेवियर, अगर उनका बिहेवियर अच्छा होगा तो आप उसे रिवॉर्ड दो, अगर बुरा होगा तो आप उसे पनिश करो या उसे डांटो, ठीक है। टीम वर्क एंड फ्यूचर टीम लीडिंग, ठीक है। तो सोशल लर्निंग से क्या है, टीम वर्क की भावना आती है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, ये आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल लर्निंग, डिस्क्राइब हाउ सोशल लर्निंग कैन बी कंडक्टेड इन द क्लासरूम। तो हमने सोशल लर्निंग क्या होती है ये पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे बस कि हम इसे क्लासरूम में कैसे ला सकते हैं, ठीक है। ये कुछ मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम सोशल लर्निंग को क्लास में ला सकते हैं। हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, ग्रुपिंग हो सकती है या होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होगी, सभी की क्वालिटी एक जैसी होगी, और हेट्रोजीनियस में क्या होगी, सभी बच्चों की क्वालिटी अलग अलग होगी, ठीक है। सपोज किसी की ड्राइंग अच्छी है, किसी की सोशल स्किल्स अच्छी है, किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है, कोई बोलता बहुत अच्छा है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है, तो इसमें क्या है, सबकी स्किल्स अलग अलग है। होमोजीनियस में क्या होगा, जो सभी अच्छा बोलते हैं उनका एक अलग ग्रुप बना दिया, जिनकी ड्राइंग अच्छी है उनका एक अलग ग्रुप बना दिया। तो इससे क्या है, एक दूसरे की स्किल्स हैं वो आपस में शेयर करने में हेल्प होती है। नेक्स्ट पॉइंट है असाइनिंग ग्रुप वर्क, रोल प्लेइंग कर सकते हैं। रोल प्लेइंग मतलब कोई एक्टिविटी है, किसी को पुलिस बना दो, किसी को चोर बना दो। पुलिस को हमेशा रिवॉर्ड मिलता है, अच्छा काम करते हैं पुलिस, चोर क्या है उन्हें पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो बुरा काम करते हैं। मतलब बहुत सारे रोल प्लेइंग मेथड हो सकते हैं। आजकल तो क्या है, बुक्स में भी छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज आ गई हैं जिनमें रोल प्लेइंग होती है, किसी को पेड़ बना दिया, किसी को गार्डनर बना दिया, किसी को गमला बना दिया, तो बच्चे इससे क्या है बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। नेक्स्ट है डिबेटिंग टॉपिक, आप उन्हें कोई टॉपिक दे दो और उन्हें कह दो कि आप उस पर डिबेट करो, ठीक है। क्विजेस आप क्रिएट कर सकते हैं, वो हो सकते हैं एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो। ग्रुप टेस्ट टेकिंग क्या है, आप पूरे ग्रुप को क्या है एक ही प्रोजेक्ट दे दो या कोई टास्क दे दो और उसी के बेस पे क्या है आप उनका टेस्ट लो। माइंड मैप्स क्या होते हैं, माइंड मैप्स होते हैं कि कोई डायग्राम जिनको हम विजुअली ऑर्गेनाइज कर दें, ठीक है। इस तरह से द वर्ल्ड ऑफ थिंग्स बनाना है, तो यहाँ पे रोबोटिक्स को अलग कर दिया, जो भी गैजेट्स हैं उनको यहाँ अलग कर दिया, जो भी सिविल इंजीनियरिंग की चीजें हैं उसे यहाँ अलग कर दिया, जो भी ट्रांसपोर्ट के मेथड्स हैं इनको यहाँ कर दिया, जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है उसको यहाँ कर दिया, और जो भी एनर्जी सोर्स हैं उनको यहाँ अरेंज कर दिया, ठीक है। तो माइंड मैप से क्या है, चीजों को याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप बच्चों को टास्क दे सकते हो कि वो कोई माइंड मैप बनाए। क्लियर है पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्या है, पैटर्न्स ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन फॉलोइंग आर द सम डेफिनेशंस ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन, क्या क्या हो सकती हैं। मेपोल हो सकता है, मेपोल क्या है, एक टर्म है जिसमें लीडर क्या है, सेंटर फिगर है, और जो भी कम्युनिकेशन होगा वो होगा लीडर मेंबर्स के थ्रू। वो कैसे होगा, सपोज मेन लीडर है, उसके ग्रुप है, ठीक है, और पर्टिकुलर जो मेंबर्स हैं वो यहाँ है, वो यहाँ पे, ठीक है, तो वो इनको बात बताएगा और जो लीडर मेंबर हैं वो लीडर को बात बताएंगे। क्लियर है। तो मेपोल ये होता है। राउंड रॉबिन क्या है, राउंड रॉबिन में सबको मौका मिलेगा बात करने का, या सबको कोई हेड बनने का मौका मिलेगा, या कोई पोजीशन है जो कि रिपीट होती रहेगी, कभी कोई बच्चा हेड बन गया और कभी कोई। हॉट सीट में क्या है, हॉट सीट का एग्जांपल आप हमेशा केबीसी वाले को याद रखो। केबीसी में क्या होता है, सपोज जो अमिताभ बच्चन लीडर थे और उसमें एक मेंबर होता था और सभी मेंबर उसे देखते थे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। हॉट सीट का मतलब क्या है, लीडर के बीच में टॉक और किसी मेंबर के बीच में टॉक और सभी मेंबर्स उसे फिर देखेंगे। फ्री फ्लोटिंग क्या है, फ्री फ्लोटिंग है व्हेन ऑल मेंबर्स टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर कम्युनिकेशन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन देयर एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द पर्टिकुलर टॉपिक। फ्री फ्लोटिंग में क्या है, सभी बच्चे रिस्पांसिबिलिटी लेंगे, कम्युनिकेट करेंगे आपस में, और जो भी उनका पर्टिकुलर टॉपिक है उसको एक साथ पूरा करने में हेल्प करेंगे। आई होप क्लियर है पॉइंट। चलो, असेसमेंट क्या होगी, सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट इज एनकरेज फॉर फॉलोइंग। बच्चे अपने आप को असेस करेंगे, अपने रोल को ग्रुप में असेस करेंगे, बच्चे सजेशन देंगे ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके, फीडबैक देंगे ताकि जो ग्रुप है वो और अच्छे से परफॉर्म करें। और जो भी सेल्फ असेसमेंट होगा वो इंडिविजुअल लेवल पे होगा या ग्रुप लेवल पे होगा। और जब कोई एक्टिविटी खत्म हो जाएगी ना, कोई ग्रुप एक्टिविटी खत्म हो जाएगी,
उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डिस्कशन करवा सकते हो या इंडिविजुअल रिपोर्ट्स बना सकते हो कि किस बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया, और आप उन्हें भी सेल्फ एसेस करने दो अपने आप को और पूरे ग्रुप को। बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप वर्क क्या है, टीम वर्क आता है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है ना। टीम वर्क इसलिए बढ़ेगा कि साथ में काम करेंगे, और साथ में काम करेंगे तो सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। टीम लीडिंग स्किल्स आएगी, सभी बच्चों को मौका मिलेगा टीम लीड करने का, और उनमें टीम लीडिंग स्किल्स डेवलप होंगी जो कि फ्यूचर में जाके उन बच्चों की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ग्रुप में काम करेंगे तो एक दूसरे को मोटिवेट भी करते रहेंगे कि हमें कोई टास्क टाइम पे खत्म करना है, अगर कोई पीछे चल रहा है तो उसका हाथ बढ़ा के उसे मोटिवेट करेंगे। चलो इस टॉपिक में इतना ही था, आई होप अच्छा लगा हो वीडियो, आपको समझ में आया अच्छे से। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हैं बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।